हाय दोस्तों, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप सैमसंग का जो ओरिजिनल फ्लैश फाइल है उसे आप जो है अपने Z3 बॉक्स के सेल सेटअप से आप कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि सैमसंग का जो J7 का जो मोबाइल है उसका FRP आप अनलॉक कैसे कर सकते हैं अपने Z3 Xbox से। दोस्तों, इससे पहले मैंने सैमसंग J200G का वीडियो बनाया था FRP अनलॉक के बारे में कि Z3 Xbox से कैसे आप अनलॉक करेंगे, तो उसमें मैंने आपको जो कॉम्बिनेशन फाइल के बारे में बताया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन फाइल का जो कौन सा ऐसा फाइल है जिसे हम राइट करेंगे तो जिससे हमारा FRP अनलॉक हो जाएगा सैमसंग J7 का। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो है सैमसंग का J7 का मोबाइल है, इसमें जो FRP लॉक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका FRP लॉक अगर आप मेडिकल से अगर आप अनलॉक करेंगे तो अनलॉक नहीं हो पाएगा। उसमें मेडिकल में अनलॉक होता है लेकिन उसका जो है उसका तरीका जो है कुछ दूसरा है, ठीक है। तो उस तरीके को भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने मेडिकल बॉक्स से इसका FRP अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने Z3 Xbox से इसे FRP कैसे अनलॉक करेंगे। तो FRP अनलॉक करने के लिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका जो FRP अगर आप अनलॉक करेंगे इससे पहले आपको एक कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करना होगा, और उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद उस फाइल का जो कुछ ऐसा फाइल है जिसे आपको सेलेक्ट करना है और उस फाइल से आपको जो है फ्लैश करना है इस मोबाइल को, और फ्लैश करने के बाद ही तभी आप इसका जो FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में अभी दिखाने वाले हैं कि कैसे हम इसको फ्लैश करेंगे कॉम्बिनेशन फाइल से और कैसे इसका FRP अनलॉक करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको अगर सैमसंग J7 का FRP अनलॉक करना है Z3 Xbox से तो उससे पहले आपको एक कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करना है, और वो फाइल आपको यहाँ पे सेल सेटअप से आपको डाउनलोड करना है। जैसे ये सेल सेटअप ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट पर जाना है, ठीक है। सपोर्ट फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल का FRP अनलॉक करना है, अगर J7 का जैसे हमको करना था, हम J7 का ये मॉडल हम यहाँ पे लिख देंगे। और मान के चलिए अगर आप किसी और मोबाइल का अगर जो है FRP अनलॉक करना चाहते हैं, कोई लेटेस्ट मॉडल अगर आया है 2017 में अगर सैमसंग का, तो उसे अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं उसका FRP, तो आपको उसका मॉडल नंबर यहाँ पे जो है टाइप करना होगा। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड में एंटर दबाना होगा। जैसे आप अपने कीबोर्ड में एंटर दबाएंगे उसके बाद उस सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन फाइल। तो कॉम्बिनेशन फाइल यहाँ पे कई तरह का है, ठीक है, और इसमें से आपको कौन सा डाउनलोड करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नीचे में आप देख रहे हैं फ्लैश फाइल, ठीक है। तो फ्लैश फाइल आपको जो डाउनलोड करना है तो वो लेटेस्ट डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं लेटेस्ट फ्लैश फाइल जो सबसे नीचे में होता है और लेटेस्ट कॉम्बिनेशन फाइल जो है वो भी सबसे नीचे में होता है। तो सबसे ज्यादा MB का जो फाइल होता है तो वो समझ लीजिए लेटेस्ट फाइल है, उसमें डेट भी दिया हुआ होता है। अभी हम देख सकते हैं डेट दिया हुआ है, ये लेटेस्ट फ्लैश फाइल है, ये लेटेस्ट कॉम्बिनेशन फाइल है, इसे हमें डाउनलोड करना है। क्योंकि अगर हम पुराना वाला अगर ओल्ड अगर वर्सन का अगर कॉम्बिनेशन फाइल हम डाउनलोड कर लेंगे तो हमारा जो FRP अनलॉक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें इस लेटेस्ट FRP फाइल को जो है हमें इस कॉम्बिनेशन फाइल को डाउनलोड करना है। इस पर हम जैसे डबल क्लिक करेंगे और जैसे डबल क्लिक करेंगे इंटरनेट कनेक्ट रहेगा हमारे कंप्यूटर में, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है हमारे डाउनलोड मैनेजर में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और मान के चलिए अगर आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है तो फ्लैश फाइल भी आप इसी तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया कि नीचे में फ्लैश फाइल दिखा रहा है, और जो सबसे ज्यादा MB का होगा और जो लेटेस्ट वर्जन का होगा उसमें डेट दिया हुआ होता है। आप डेट देख सकते हैं कि किस डेट में कौन सी फ्लैश फाइल आई है, डेट देख करके आप लेटेस्ट वर्जन को जो आप पहचान सकते हैं और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी फ्लैश फाइल आप डाउनलोड करेंगे ये आपको ओरिजिनल फाइल होगा, ठीक है, ये ओरिजिनल फ्लैश फाइल होगा और इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मेडिकल सेल से। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक इस फाइल को हम डाउनलोड होने के लिए देते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कैसे हमें जो है इसका FRP अनलॉक करना है और कौन से फाइल से हमें जो है इस मोबाइल को जो है फ्लैश करना है सैमसंग J7 को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो कॉम्बिनेशन फाइल है वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम इस फाइल को जो हम अपने डेस्कटॉप पर उठा करके ले आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इस फाइल को मान के लिए कंप्रेसर फाइल है जिसे हमें इरेज करना होगा, और इरेज करने के लिए दोस्तों मैं बता दूं इसे हमें राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा
लिखा होगा, एक्स्ट्रा हेयर पे हमें क्लिक करना है या एक्स्ट्रा फाइल पे हमें क्लिक करना है, उसके बाद हमारा जो फाइल जो है इरेज हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेसर फाइल था, इसे हमने इरेज कर दिया है। उसके बाद इस फाइल को हम अपने Z3 Xbox में सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने Z3 Xbox का जो टूल है उसे हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा Z3 Xbox का जो टूल है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ अपना मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेना है या हमें मॉडल नंबर लिख देना है। मान लीजिए अगर मॉडल नंबर नहीं मिल रहा है, हम डायरेक्ट ऊपर में यहाँ पे जो है सर्च बार में मॉडल नंबर को हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद हमें जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हम मॉडल नंबर को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फ्लैश टूल पर ऑटोमेटिक हमारा जो है ये जो टूल है ये ऑटोमेटिक फ्लैश पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ PDF पे हमें क्लिक करना है। PDF पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपना कॉम्बिनेशन फाइल जो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन फाइल जो हमने जिसे हमने इरेज किया था उसे हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपने Z3 Xbox के टूल में। उसके बाद दोस्तों राइट साइड में यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितनी सारी यहाँ पे जो है चेक लगी हुई है जितनी सारी फाइलों पे, ठीक है, सभी फाइलों का जो चेक हमें यहाँ पे हटा देना है। और हमें सिर्फ यहाँ पे CMBIN फाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, बाकी सबका जो चेक हटा देना है। क्योंकि अगर सब पे चेक लगा हुआ रहेगा तो हम फ्लैशिंग जब करेंगे तो फ्लैशिंग एरर लिखेगा, हमारा जो है फ्लैश कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें सबका चेक हटा देना है, सिर्फ हमें CM और क्या कहते हैं बिन फाइल पे हमें चेक लगाना है। उसके बाद हमें फ्लैश करना है, और जब हम फ्लैश करेंगे तो हमारा जो यहाँ फ्लैश कंप्लीट लिखना चाहिए। और जब तक कंप्लीट अगर हमारा फ्लैश यहाँ पे नहीं लिखेगा सक्सेसफुली तो हमारा जो FRP अनलॉक नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे कोई एरर दे रहा है तो हमारा FRP अनलॉक नहीं हो पाएगा। हमारा यहाँ फ्लैश जो है यहाँ पे कंप्लीट लिखना चाहिए, सक्सेसफुली लिखना चाहिए। तो दोस्तों फ्लैश कंप्लीट होने के लिए देते हैं तब तक के लिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे हमें इसका FRP अनलॉक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लैश जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें अपने मोबाइल को जो है डाटा केबल से निकाल देना है। उसके बाद उसका बैटरी जो है उसे भी हमें निकाल देना है। उसके बाद बैटरी लगाना है, फिर मोबाइल को हमें ऑन करना है। ऑन करके फिर से डाटा केबल हमें लगा देना है, अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना है। उसके बाद फिर से हमें रिबूट फ्लैश पे क्लिक करना है। और जब हमारा रिबूट फ्लैश पे क्लिक होने के बाद जब हमारा मोबाइल फिर से डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा उसके बाद हमें अनलॉक पे जाना है। और किसी कारण अगर आपका मोबाइल रिबूट यहाँ पे रिबूट फ्लैश पे क्लिक करने के बाद अगर आपका मोबाइल डाउनलोडिंग मोड पर नहीं जा रहा है ऑटोमेटिकली, तो आप अपने हाथों से भी उस मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पर ला सकते हैं। तो दोस्तों FRP अनलॉक करने के लिए हमें यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे रिसेट FRP पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों इस FRP रिसेट को हम कंप्लीट होने देते हैं जब तक के लिए, तब तक उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो J7 का जो मोबाइल है वो जो उसका जो FRP लॉक था वो FRP लॉक जो अनलॉक हुआ या नहीं, ठीक है। उस मोबाइल को हम आपको ऑन करके अभी दिखाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FRP रिसेट हमारा जो कम्प्लीट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद इस मोबाइल को हम ऑन करके देखेंगे। दोस्तों जैसे मोबाइल का पावर स्विच को जब आप एक बार प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन है नीचे में, आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन है, होम का ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना होगा। और जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे आपका FRP जो है कम्प्लीट जो है सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आपका मोबाइल जो है ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो
बिल्कुल ऑन हो चुका है, हमारा जो FRP लॉग है वो अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेते। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।